अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 33। आज के इस लेसन में हम मिरर कमांड का यूज़ देखेंगे कि मिरर कमांड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हाउ टू मिरर द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट कमांड, मुख्तलिफ किस्म की कमांड से आप ऑब्जेक्ट को मिरर किस तरह करते हैं, मिरर द ऑब्जेक्ट इन डेस्टिनेशन पॉइंट और किसी भी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पॉइंट पे आप मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कैसे करते हैं। तो आज का लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा और आज हम मिरर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मिरर क्या होता है, मिरर ऑब्जेक्ट को मिरर कैसे किया जाता है। तो मिरर कमांड जो होती है वो होती है, मैं फॉर एग्जांपल एक आर ई सी एंटर करता हूँ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में इंसर्ट किया और या फिर मैं यहाँ पे कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ ताकि वो पता चले कि मिरर का फंक्शन क्या है। तो मैं एल एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ F8 प्रेस किया, ओके मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं मिरर करना चाह रहा हूँ, तो मिरर की जो शॉर्ट कमांड है, यहाँ से आप मिरर देखें, ये आप मिरर कर सकते हैं, यहाँ पे भी मिरर है देख सकते हैं। और इसके अलावा मिरर की जो शॉर्ट कमांड है MI एंटर है, मॉडिफाइड टूल बार में जाएं, उसमें आपको मिरर की कमांड नज़र आ रही होगी। तो मिरर का जो तरीकाकार है वो क्या है, आप MI एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें, तो एक देखें स्पेस प्रेस कर दो, तो एक देखें एक ऑब्जेक्ट मिरर हो गया, बिल्कुल इसके सामने मिरर हो गया। अब इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल इसको भी मिरर करना चाह रहा हूँ, तो मिरर के लिए मैं MI एंटर करता हूँ, एंटर, ये सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एक थोड़ा सा स्पेस देके मैं मिरर करना चाह रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पॉइंट इस पर क्लिक करूँगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्लिक करके और कीबोर्ड से स्पेस प्रेस कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे मिरर वापस ऑब्जेक्ट मिरर हो गया, देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसी ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा से मिरर करता हूँ, तो MI एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से यहाँ मिरर करना है और स्पेस। तो ये देखें ये कुछ मिरर कमांड का तरीका है और इसे आप देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह पे लगाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं MI एंटर करता हूँ दोबारा, देखें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देख सकते हैं ये जो हमारे पास मिरर कमांड का यूजेस, आप मिरर कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं एक और काम करता हूँ, मैं एल एंटर करता हूँ, 10 फुट की लाइन देता हूँ, डेड स्पेस सेव स्पेस। अब मैं यहाँ पे मिरर में फॉर एग्जांपल एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, इस सर्कल में चाहता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट मेरे यहाँ पे इस पॉइंट में आ जाए, तो आप इसके लिए आप देखें यहां से आप करते हैं MI एंटर, राइट क्लिक, जो 100% एक जैसा इसमें स्पेस है, तो आप देखें एक जैसे स्पेस में वापस देखें मिरर हो गया। उसके अब यही मैं दोनों सर्कल में चाहता हूँ कि ये इस कॉर्नर में आए और बिल्कुल इसी स्पेस में है, जितना यहाँ से इसमें स्पेस रहता है और इसमें यहाँ से जितना स्पेस रहता है इतने स्पेस में हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप दोबारा MI एंटर करें, MI मिरर एंटर, सॉरी ये MI एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट में आ जाए, आप मिड पॉइंट है और स्पेस देखिए आप, तो एक्यूरेट हमारे पास यहाँ पे मिरर जो ऑब्जेक्ट हुए हैं दोनों, ये यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल डायमेंशन के लिए आप देखें बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट उसी पोजीशन में उसी पॉइंट में आए जहाँ पे मैं ये मिरर ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए थी। तो
तो ये था हमारे पास मिरर ऑप्शन, मिरर की कमांड और इसका फायदा, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, ये पॉइंट है, अब मुझे बिल्कुल यहाँ पे इस एरिया में सेंटर में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, देखिएगा, एल एंटर, इस पॉइंट से यहाँ तक मैं लाइन लेता हूँ और अब मैं मिरर अप्लाई करता हूँ, देखिएगा आप, एम आई एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इस के लाइन के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, देखें बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास एक एक्यूरेट पोजीशन में बस ये ऑब्जेक्ट ड्रा होते हैं। तो ये ऑप्शन होता है जी मिरर का, और मिरर के कमांड के ये कुछ फ़ायदे होते हैं जो कि आप किसी इस कमांड के थ्रू आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो आप यहाँ से कमांड के थ्रू आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और मिरर का फंक्शन, मिरर के फ़ायदे आपको समझ आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एल इंटर करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाए, और इसमें मैं यहाँ पे देता हूँ यही ऑब्जेक्ट, यही सर्कल मुझे बिल्कुल एक्यूरेट इस पोजीशन में चाहिए, तो अब देखिएगा मैं यहाँ पे आप आसानी से काम कर सकते हैं, एम एंटर, सॉरी एम आई एंटर, एम आई एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसे सेंटर पॉइंट उठाएं और इसको यहाँ से सॉरी राइट क्लिक करें, एम आई एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसका यहाँ से देखें बिल्कुल एक्यूरेट आपका ऑब्जेक्ट उसी सेंटर पॉइंट में और उसी पोजीशन में आया, इसका सेंटर मार्क यही आपके पास नज़र आ रहा होगा। अब इसी तरह एम एंटर करता हूँ, इसको लिया, इसको लिया, राइट क्लिक करता हूँ और अब इस पोजीशन में जब मैं आऊँगा यहाँ पे, सॉरी मैंने एम आई एंटर, सेंटर पॉइंट ये देखें एक्यूरेट हमारे पास एक मिरर का ऑप्शन यूज़ हो रहा है, और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं आसानी से, आप बिल्कुल सेंटर में आपने अपने ऑब्जेक्ट को लगाना है तो आप देखें बिल्कुल सेंटर में आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ मिरर के फ़ायदे हैं, मिरर के, मिरर कमांड के, और ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आप कोई मॉडलिंग करते हो। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।